ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। जेडीयू के जाने माने नेता और प्रवक्ता अभिषेक झा पर अब नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। अभिषेक झा को जेडीयू की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। आपको बता दें कि अभिषेक झा जो अक्सर टीवी चैनलों पर जेडीयू की ओर से अपनी बात को प्रमुखता से और मुखर होकर रखते दिखाई देते हैं, अब वो जल्द ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जेडीयू के अभिषेक झा को अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार की तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ने लगा है। जेडीयू की ओर से पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अभिषेक झा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सीतामढ़ी से नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद वहाँ नीरज कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अभिषेक झा उम्मीदवार होंगे। अभिषेक झा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी लोग यहाँ सर के नेतृत्व में पहले भी काम कर चुके हैं, आगे भी काम, और सर के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान दिख रहा है। मैं सिर्फ सर के असिस्टेंट कह लीजिए, प्रतिनिधि को कह लीजिए, या सर का दिया हुआ एक उम्मीदवार के लिए बस इतना ही मात्र हूँ, और सर का जो दिशा निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करना मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि 22 वर्षों की जो लेगेसी है सर, जिस तरह से आप लोगों का नेतृत्व सर ने किया है, आपकी सेवा जिस तरह से की है, मैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। आपके आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ, मुझे मौका मिलता है आगे काम करने का, उसमें कोई कसर नहीं होगी। सर ने जो मानक स्थापित किए हैं मेरे लिए सर्वमान्य है, सर के दिशा निर्देश मान्य है, उससे तनिक भी मुझे भटकना नहीं है, और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र से मुझे पार्टी ने मौका दिया है काम करने का, आपकी सेवा करने। तो जेडीयू की ओर से अब अभिषेक झा को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बता दें कि बीते दिन सीएम नीतीश कुमार से जब अभिषेक झा की मुलाकात हुई थी, तभी से अटकलों का दौर जो है वो शुरू हो गया था। कयास लगाए जाने लगे थे कि अभिषेक झा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने सीएम के साथ तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलकर आगे के राजनीतिक मिशन के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इसी पोस्ट के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अभिषेक झा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बन जाने से ये सीट खाली हुई है, और अब इस सीट से अभिषेक झा ताल ठोकने जा रहे हैं। देखना होगा कि अभिषेक झा जेडीयू की सीट को बचाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। अभिषेक झा को मिली जिम्मेदारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।